अगली खबर की ओर पढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। कोविड से लड़ने की तैयारी में शिवराज सरकार। अप्रैल मई में रिटायर हो रहे डॉक्टर, नर्स, पुलिस कर्मी, नगरीय निकायों के कर्मचारियों को संविदा में सरकार रखेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। 31 जुलाई तक की संविदा नियुक्ति दी जाएगी। वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के लिए कलेक्टर का प्रमाणीकरण आवश्यक है। तो कोविड से लड़ने के लिए शिवराज सरकार लगातार जो है वो तमाम प्रयास कर रही है। और अब एक बार फिर से कोविड से लड़ने की तैयारी में है शिवराज सरकार। अप्रैल मई में रिटायर हो रहे डॉक्टर, नर्स, पुलिस कर्मी, नगरीय निकायों के कर्मचारियों को संविदा में सरकार रखेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। 31 जुलाई तक संविदा नियुक्ति दी जाएगी। वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के लिए कलेक्टर का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। कोविड से लड़ने की तैयारी में है शिवराज सरकार। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दुष्यंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी, कोविड से लड़ने की तैयारी में है आप शिवराज सरकार? जी बिल्कुल पूनम, देखिए कोविड से जिस तरीके से कोविड फैल पसार रहा है उससे लड़ने की ही आवश्यकता है। और जिस तरीके से प्रयास सरकार की तरफ से तमाम सारे किए जा रहे हैं उन प्रयासों के साथ साथ में अब ये तैयारी भी है सरकार की कि जिन कर्मचारियों से रिटायरमेंट हो गए हैं 31 मई को जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, डॉक्टर हों, नर्स हों, पुलिस कर्मी हों, नगरीय निकाय के कर्मचारी हों, सभी को संविदा नियुक्ति जो है वो 31 जुलाई तक सरकार ने दी है। क्योंकि बड़ी संख्या में जब कर्मचारी रिटायर्ड होंगे तो जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या में कमी आएगी और सरकार को जिन कामों के लिए कर्मचारियों की जरूरत है तो वो कहीं ना कहीं काम पूरे नहीं हो पाएंगे। और जिस तरीके से अब 4 महीने का जो एक्सटेंशन इनको दिया गया है, संविदा नियुक्ति इनको दी गई है, तो अब इन कर्मचारियों से लगातार काम भी लिया जाएगा। वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के लिए कलेक्टर का प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। जिन लोगों के लिए जो संविदा नियुक्तियां दी गई हैं और अगर वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारी हैं तो उनको कलेक्टर का एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जिसमें ये लिखा होगा कि वो काम करने में सक्षम है और किसी प्रकार से कोई दिक्कत उनको नहीं है। कोविड-19 के अगर कोरोना की बात करें तो कोविड के खिलाफ में जो अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं उसमें जो कार्यरत पुलिस कर्मी है, निगम मंडल के सार्वजनिक उपक्रम और स्थानीय निकायों में इस तरीके के जो पूरे अभियान है वो लागू किए जाएंगे, तो इन अभियानों को चलाने का काम भी यही कर्मचारी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सरकार का प्रयास है, सरकार का प्रयास कितना सफल होगा ये खैर तभी सामने आ पाएगा जब कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन जिस तरीके से कोरोना की जो भयावह स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है उससे ये जरूर लग रहा है कि कोरोना पर काबू पाना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उससे अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर लोग समझते हैं तभी जाकर इस पर काबू पाया जा सकेगा। अकेले सरकार के बस की बात कोरोना पर काबू पाना नहीं होगा। जी बिल्कुल दुष्यंत जी, आप बने रहे हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ लोगों को खुद समझना होगा कि अगर इसी तरह से लापरवाही जारी रही तो कोरोना को हरा पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमने पहले भी एक साल से ज्यादा का समय हमने देखा है कि हम किस प्रकार से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम कोरोना पर जंग जो है कोरोना से जंग नहीं जीत पाए हैं। और अगर कोरोना को हराना है तो सरकार के साथ साथ जो सरकार तमाम प्रयास कर रही है लेकिन वो विफल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं